हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो मेरा नाम अलक पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला में। और हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। तो अभी जो टॉपिक हम एकदम हॉट टॉपिक गरम गरम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई घूमता टहलता चार्ज, यानी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन सा चार्ज? मूविंग चार्ज। जुम 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 जुम। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 7 में डिटेल में, ठीक है? देखना है तो YouTube पे टाइप करो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 07, साथ में लगा दो फिजिक्स वाला। बढ़िया बताया है कि फोर्स कितनी लगती है, फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे, क्या उसका डायरेक्शन होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद आया लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने बताया कि एक घूमता टहलता चार्ज मस्ती में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया और मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। अब सोचो तुम घूमते टहलते मस्त एकदम पार्क में एकदम गए हो, पुलिस वाले ने बड़ा आराम से डंडा मारा तो तुम दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, है ना? अब पुलिस वाले ने डंडा क्यों मारा है तुम जानो, तुमने पार्क में ऐसी क्या हरकत की? छी छी। हाँ, तो डंडा मारते तुम तेज भागने लगे। यानी जब भी फोर्स लगेगी चार्ज पे तो उसका मोशन कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। तो हमने यही बात की लेक्चर नंबर 8 में कि व्हाट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने उसमें दो केसेस डिस्कस किए थे जो कि आज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पहला केस हमने लिया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रहा हो तब मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कहती, कहती है जैसे जा रहे हो वैसे जाओ स्ट्रेट लाइन में, हम कोई फोर्स भी नहीं लगाएंगे, जाओ हमारे ही रास्ते चल रहे हो, ठीक है, हम कोई फोर्स भी नहीं लगाते। दूसरा केस था जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इस केस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी और ऐसी फोर्स लगी कि उसको नचा के रख दिया, सर्कुलर मोशन करा दिया। तो हमने दो केस पढ़े, एक जब साथ में है तब चलो स्ट्रेट लाइन कोई दिक्कत नहीं, अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फोर्स लगाएगी कि वो सर्कुलर मोशन करे। तो हमने ये दो केस डिस्कस किए, बड़े पर्टिकुलर केस थे, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसके सिवा कोई एंगल हो तो ये तो बात ही नहीं की। तो आज वही बात करेंगे कि जब कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, वी बी के बीच में कोई भी एंगल हो, वी बी के बीच में कोई भी एंगल हो, तब कौन सी बात होगी। तैयार हैं? थोड़ा सा हम रिकैप बताएंगे पुराना, ध्यान से सुन लेना, ये केस और ये केस ध्यान से सुनना, फिर इनका मिक्सचर करेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप? तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, चूहे को मार के खाना बंद करें और अपने छोटे भाई बहन की पिटाई भी बंद कर दें, और ध्यान से इस लेक्चर को एक बार में देखें। और आलसी लोग नहीं बोलूंगा आपसे मैं, और सभी मेरे प्यारे बच्चे जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpandey.com, वहां जाके आपको इस लेक्चर का लिखा लिखाया बढ़िया PDF नोट्स मिल जाएगा। यस सर, जा रहे हैं। देखो मैं अभी भी यही कहूँगा कि बेटर होगा आप नोट्स खुद से बनाओ, बस वो अपलोड किए गए हैं कि टाइम की कमी है किसी बच्चे के पास या कोई बहुत आलसी हो तो। हाँ ठीक है। अच्छा, वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस चैप्टर के बढ़िया असाइनमेंट है वहाँ पे, जिसमें सबसे पहले बोर्ड लेवल क्वेश्चन, फिर IIT मेंस लेवल क्वेश्चन, फिर IIT एडवांस लेवल क्वेश्चन, फिर उनके आंसर, फिर उनके बढ़िया सोल्यूशन, ये आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इसके प्रीवियस चैप्टर्स भी वहाँ पे अपलोडेड हैं, अपकमिंग चैप्टर्स धीमे धीमे अपलोड होंगे, और क्लास 11 भी धीमे धीमे हम अपग्रेड कर रहे हैं। ये वेबसाइट आप लोग की वजह से पहुंच पाए हम लोग यहां तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्साइटमेंट आ रहा है? एक्साइटमेंट आ रहा है? हेलिकल पाथ, हेलिकल हेलिकल हो जाएगी आज, सर्कल वर्कल नहीं, हेलिकल, जूम जूम जूम। हाँ, तो देखो क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा पुराना हम बातें कर लें, रीकैप। अब तक आपने देखा व्हेन एवर अ मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन एवर अ मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। सबको समझ में आ गई बात? अगर कोई चार्ज कैसा है, मूविंग है,
और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मूविंग नहीं है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगती है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी हो गया चार्ज की वेलोसिटी, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्यू हो गया चार्ज। इसको हम आगे एक्सपैंड करें तो हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज दी बोलो एंगल बिटवीन, बोलो अरे भाई वी क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा आता है, तो थीटा शुड बी एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है। फोर्स का डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, अब उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से सिखाया था कि फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को किस डायरेक्शन में रखो, चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, फिर एक पल का जीना वाला डांस करो, जिधर पाम जाए वो फोर्स का डायरेक्शन मैंने सिखाया है। ये थंब हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ऋतिक रोशन की मैंने हाथ बनाया था, मैंने बोला ये डायरेक्शन किसका देगा, मैग्नेटिक फील्ड। सभी लोग कौन सा हाथ देखेंगे, राइट हैंड, नहीं बगल वाली लड़की का हाथ नहीं देखना है, हाँ अपना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब से आप किसका, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद पाम से आपको मिलेगा फोर्स का डायरेक्शन। ये हो गया डायरेक्शन। राइट हैंड खोलो, सबसे पहले फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में लगाओ, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टी करो, जिधर पाम जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद लेक्चर नंबर 8 की आज हमें जरूरत पड़ेगी। यहां तक बातें क्लियर है, याद आ गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें दो केस बात की थी, उन दो केस को फिर से डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आज टूडेज केस, ठीक है। चलिए, तो इससे पिछले एपिसोड में आपने देखा, मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्या होने वाला है आज, हेलिकल पाथ, ओ माय गॉड। हाँ, तो देखो इसके बाद हमने बात करी पाथ की। तो जब हमने पाथ की बात की तो बच्चों हमने दो केसेस लिए थे। केस नंबर 1 हमने जो आपसे डिस्कस किया था वो था जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब हुआ जो वेलोसिटी है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और 180 मतलब का हुआ वी इज पैरेलल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ रहे हो, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है किसके बीच का, वी और बी के बीच का। तो थीटा 0 मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर वेलोसिटी। इस केस में मैंने बोला कोई फोर्स नहीं लगाती मैग्नेट, कहते जाओ हमारे रास्ते में चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, और इस केस में भी कोई फोर्स नहीं लगाती, चलो ठीक है पैरेलल जैसे ही हो हम तुम पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, है ना। ये हो गया 180 का एग्जांपल, ये हो गया 0 का। बच्चों दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे 0 या क्यू वी बी साइन 180, और यार साइन 0 हो साइन 180 हो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्यू वी बी साइन 180, साइन थीटा लेते हैं ना, क्यू वी बी साइन थीटा। तो आपने देखा मैग्नेटिक फोर्स ही 0, भाई किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स 0 है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ओन स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें वो चल रहा था। एवरी पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, समझ आया। तो ये जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली हमने कहा जो इसकी पाथ है दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो पैरेलल वेलोसिटी होती है वो चार्ज को स्ट्रेट लाइन में रखती है, जो पैरेलल वेलोसिटी होती है वो चार्ज को स्ट्रेट लाइन में रखती है। इस बात को यहां हम लिख लेते हैं वी पैरेलल, ऐसे लिख लें वी पैरेलल चार्ज को स्ट्रेट लाइन में चलाती है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरह की लाइन लिखने से, मैसेज लिखना आप लोग का आता ही है। वी पैरेलल चार्ज को, ये वी पैरेलल है ना, पैरेलल या एंटी पैरेलल, चार्ज को स्ट्रेट लाइन में चलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम हलवा। अच्छा केस 2 देखो, दोनों पढ़ोगे तभी केस 3 समझ में आएगा। केस 2 देखो, केस 2 हमने लिया था जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और यहाँ पे जो उत्तर था वो था सर्कुलर मोशन। ऐसा होने पे पार्टिकल सर्किल में घूमता है। देखो ऐसा होने पे पार्टिकल पे फोर्स भी लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस बार आएगी क्यू वी, यहाँ लिख लेते हैं एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, क्यू वी बी। तो हमने कहा वी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भाई, तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली अंदर की तरफ,
ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनवर्ड, और ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इधर चार्ज क्यू। अब ये चार्ज पार्टिकल मस्त एकदम जा रहा था परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी कितनी क्यू वी बी, इस बार लग रही है। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉजिटिव चार्ज का मोशन इधर, देखो ये होता है मोशन ऑफ चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर टिडिंग ऊपर है ना। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन का केस है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, देखो ना वेलोसिटी इधर फोर्स इधर थोड़ा सा इधर घूमेगा सब बताया था। अब देखो चार्ज इधर जा रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर हो गई है ना, फिर ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा, घूमते घूमते कौन सा मोशन किया सर्कुलर मोशन किया। सो इफ कहीं भी देख लो यहां पहुंचा वेलोसिटी इधर हुई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऊपर, फोर्स देखो अंदर की तरफ, तो फोर्स हमेशा किधर लगेगी टुवर्ड्स दी सेंटर, और फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही है मतलब कौन सी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सब हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 8 में। फिर हमने कहा कि सर्किल का रेडियस वगैरह बड़ा ध्यान से सुनना। ओके अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई, देखो क्या बताया मैंने कि अगर वी बी के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा, कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज फोर्स इधर ऊपर लगी टुवर्ड्स द सेंटर, इधर जाना चाहता था इधर घुमा दिया थोड़ा इधर गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर चार्ज का मोशन इधर फोर्स इधर लगी फिर ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर चार्ज का मोशन ऊपर इधर लगी थोड़ा ऐसे आया ऐसे करते करते सर्किल। अब ध्यान से सुनो इस केस में इसका रेडियस कितना हमें निकालना है। देखो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, किधर लग रही है सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। ये कौन सी फोर्स थी खचक खचक डिंग 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 राइट हैंड पाम रूल से, कौन सी फोर्स है मैग्नेटिक, कितनी है क्यू वी बी, और यही फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। ध्यान से देखो यहां होगा पार्टिकल इधर ये खच 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 सेंटर की तरफ यानी यही सेंट्रीपिटल। तो एफ एम इज क्यू वी बी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है एम वी स्क्वायर बाई आर, मान लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल का मास एम है इस सर्किल का रेडियस आर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान देना इस v से ये v मर गया, r की वैल्यू आ रही है एम वी बाई क्यू बी, तो ये रेडियस बना। यानी कि जो v परपेंडिकुलर होता है वो चार्ज को सर्कल में घुमाता है, ये बात भी लिख सकते हैं हम v परपेंडिकुलर चार्ज को सर्कल में घुमाता। तो अगर वेलोसिटी पैरेलल है तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के तो स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, वी पैरेलल चार्ज को स्ट्रेट लाइन में चलाती है और वी परपेंडिकुलर चार्ज को सर्किल में घुमाता है विथ रेडियस एम वी बाई क्यू बी। अब यहाँ हम थोड़ा सा आज आपको एक नया चीज़ बताना चाहेंगे कि एम वी बाई क्यू बी में क्या हम ये लिख सकते हैं वी परपेंडिकुलर, वी की जगह कौन सी वेलोसिटी होती है जो सर्किल कराती है परपेंडिकुलर वाली, तो हम v की जगह यहां पे v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं द रेडियस r इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अब हम ये चीज बता रहे हैं ध्यान से सुनो, एम वी परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसी की वजह से तो घूम रहा है भाई, किस वेलोसिटी से घूम रहा है v परपेंडिकुलर से, तो एम वी स्क्वायर बाई आर में भी v परपेंडिकुलर, यहां पे भी एक्चुअल में v परपेंडिकुलर, ये कितनी बात समझ में है। और हमने बात की थी इसके टाइम पीरियड की सर्कुलर मोशन की, तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका था, टाइम पीरियड क्या होता है वो टाइम जिसमें यहीं पे और डिस्कस कर लेते हैं, हमने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड क्या होता है वो टाइम जिसमें एक सर्किल कंप्लीट हो जाए, टाइम पीरियड मतलब जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो, तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा 2 पाई आर, और किस स्पीड से कर रहा v, r की जगह रख दो एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी रखोगे v v कैंसिल होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई एम बाई क्यू बी। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बोलो टाइम पीरियड निकालना समझ में आया, टाइम पीरियड वो टाइम जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो, हमने कहा ठीक है टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, एक चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस 2 पाई आर किस स्पीड से,
टाइम ये तो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, 2πr, स्पीड कितनी v, r की जगह mv बाई qb, vv कैंसिल और 2πm बाई qb। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा रिवीजन था पर जरूरी था, नोट करें। क्लियर है, क्लियर है। वी पैरेलल चार्ज को स्ट्रेट लाइन में चलाती है, वी परपेंडिकुलर चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमाती है, और सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है दैट इज mv परपेंडिकुलर बाय qb, और टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई लेने देना नहीं, 2πm बाय qb। मिटा रहे। अच्छा, तो हमने दो पर्टिकुलर केस देखे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180। थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90, वेरी सॉरी, 0, 180 एंड 90। अब हम केस नंबर 3 ले रहे हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हो, व्हेन वी इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ बी। ठीक है, वी इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ बी। अब हम ये केस लेने जा रहे हैं वेयर थीटा कैन बी 0, 180, 90, 60, 30, थीटा कैन बी एनी वैल्यू, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। आज एकदम जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा चलो, मान लेते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो ऐसे, ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जिसका मास m है, और v वेलोसिटी से जा रहा है एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब कौन सा मोशन करेगा, थीटा 0 होता तो स्ट्रेट लाइन में चलता, परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर मोशन होता, अब क्या करेगा। अब हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट करते हैं, एक कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, वी पैरेलल। कितना आएगा इधर कंपोनेंट, वी कॉस थीटा, इतना तो सबको पता है ना, जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में हम इसको बोल सकते हैं वी परपेंडिकुलर, दिस विल कम आउट टू बी वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू वॉट, मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू वॉट, मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, जो वी पैरेलल है यानी कि वी कॉस थीटा, वो चार्ज को बोलो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, बोलो सही है? और जो v परपेंडिकुलर है यानी v साइन थीटा, वो क्या करेगा, वो चार्ज को सर्कल में घुमाएगा। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट हम बार बार पढ़ा रहे थे, बोले समझ में आया। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उस वाले कंपोनेंट से मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंडली रहेगी, कहेगी हम तुम पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जाओ जैसे चल रहे हो, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता जाएगा। पर ये चार्ज पार्टिकल एक पाप करके आया है अपने साथ, वी साइन थीटा लेके आया है, ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा तुम परपेंडिकुलर, तुम पे तो फोर्स लगाएंगे, तुमको तो हम सर्किल में घुमाएंगे, यानी ये सर्किल में भी घूमेगा और ये सीधा भी चलेगा, ये सीधा भी चलेगा। सर्किल में कैसे घूमेगा ये भी देख लिया जाए, सर्किल का सेंटर इंटर कहाँ है, आओ देखते हैं, जिधर फोर्स लगेगी उधर सेंटर होता है। फोर्स किधर लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रही थी ना सर्किल, हाँ जा। ये मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड थंब से डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि इसके इस कॉम्पोनेंट से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इसकी वजह से घूम रहा है ना, घूम किसकी वजह से रहा, वी साइन थीटा। तो ये तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन इधर, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, इधर कहीं है ना, तो इसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, बोलो सही, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, ए अंदर की तरफ फोर्स लगी, ये अंदर गया बाहर, बोलो समझ में आया, फोर्स अंदर यहां गया, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी यहां जाने पे,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऐसे, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। बोले समझ में आ रहा है? इसे मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स किधर? अंदर की तरफ। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन करेगा, साथ में v cos थीटा इसको आगे ले जाना चाहेगा। ये v sin थीटा की कहानी है और v cos थीटा चार्ज से बोलेगा चलो आगे चलो। तो ये मोशन प्लस ये मोशन, दोनों मोशन मिल जाएंगे। बोला सही है, v परपेंडिकुलर से घूमने लगा, v cos थीटा की वजह से ये चलने लगा, v पैरेलल की वजह से, दोनों मिलके जो इसका नेट पाथ बनेगा दैट विल बी हेलिकल पाथ, यानी ऐसा। ये इसका नेट पाथ सामने आएगा, सम ऑफ दीज टू पाथ हेलिकल पाथ। सर्कुलर घूमा इसकी वजह से और सीधा आगे भी जा रहा है वी कॉस थीटा की वजह से। इसका जो नेट मोशन होगा ये होगा, नोट कर लें। क्लियर हुई बात? नोट कर लें। सर्कल का सेंटर कैसे पता चलेगा, समझ गए हो? फोर्स देख लो किधर लग रही है, अंदर, तो सेंटर अंदर कहीं है। तो यहां से ऐसे सेंटर देखो बीच में, ये इमेजिन हो रहा है ये सेंटर, ठीक है, वी साइन थीटा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वी साइन थीटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी साइन थीटा अंदर की तरफ जा रहा हो यहां पे, ए आराम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ही आएगा। ये तो v sin थीटा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बोलो इस प्लेन में सर्किल हो रहा है और ऐसे आगे बढ़ रहा है। इमेजिन करो दिमाग में, जुर्र आगे बढ़ रहा है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। क्लियर हुआ? नोट कर लें, नोट कर लिया, नोट कर लिया, हेलिकल पाथ नोट कर लिया। अब बात करते हैं कि हेलिकल पाथ में क्या क्या हमको पैरामीटर समझने। एक तो इसका घूमने का रेडियस होगा, टाइम पीरियड होगा, उसकी बात करते हैं। तो जब ये घूमेगा बच्चों, तो इसका रेडियस क्या होता था? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर कितना है? वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अरे भैया, किस वेलोसिटी की वजह से गोल गोल घूम रहा है? वी की वजह से, वी साइन थीटा की वजह से। तो रेडियस एम वी बाई क्यू बी की जगह एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। भाई परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर मोशन कराती है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सी? वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा तो मस्त से जा रही है। नहीं सर हमें नहीं आया ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम प्रूफ करेंगे इसको। ये मिटा दें हम, आप नोट कर लें पहले। तुमको सिर्फ तुमको छाप लिया हमने चाहा चाहत की कसम। देखो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। जो सर्कुलर मोशन चल रहा है, ध्यान से बताओ, इस सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस दिख रही हैं, मतलब एक फोर्स दिख रही है जो मैग्नेटिक है, वही क्या बन गई है? सेंट्रीपिटल। आएगा भाई, कान इधर से पकड़ो या कान ऐसे करके पीछे से पकड़ लो। मेरा एक दोस्त था, उसको टीचर ने बोला था कान पकड़ कर जाओ, तो उसने कहा सर ऐसे पकड़ें कि ऐसे पकड़ें, बाहर कर दिया कुछ सर ने, ठीक है। मैं मैथ्स के टीचर थे, अब तो जानते ही कौन है। तो हाँ, ये कहानी थी। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ना ना गलती ना करना। किस वेलोसिटी से घूम रहा है सर्किल में? वी साइन थीटा। छोटी छोटी मिस्टेक फिजिक्स में होती है ना, और लगातार लगता है क्यों नहीं आंसर आ रहा है। रटो नहीं, सोचो सर्कुलर मोशन किस स्पीड से घूम रहा है? वी साइन थीटा से। तो यहाँ एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर। देखो अब यहाँ से एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा आपका। वी साइन थीटा से एक वी साइन थीटा मर जाएगा, आर इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। आ गया खुशी? अरे फिजिक्स वर्क्स, डोंट वरी। एक वी साइन थीटा, एक वी साइन थीटा मर जाएगा, आर इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही सर्किल घुमाती है, ऐसे समझ लो। क्लियर? अब सर्किल में गोल 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 घूम रहे हैं, तो एक चक्कर का टाइम पीरियड कितना होगा? तो मैंने पहले ही बोला है कि टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, 2 पाई एम बाई क्यू बी। नहीं सर ये भी नहीं मानेंगे। अच्छा इसको छापो, उसको भी समझा देते हैं। ये समझ में आ गया? मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है? टुकड़ू
देखो टुडुक 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 जूम, फिर ऐसे गया अंदर गया जूम टुडुक टुडुक डूम, ऐसे गया जूम, यहां से ऊपर जाना चाहता था फोर्स अंदर लगी ऐसे जूम, ऊपर जाना चाहता था फोर्स ऐसे लगी जूम, यहां फिर अंदर जाना चाहता था मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये वेलोसिटी इधर हो जाएगी फोर्स ऐसे, तो नीचे आने चाहता है फिर ये फिर ये फिर ये। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी साइन थीटा होती है और सेंट्रीपिटल की जगह एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर, क्योंकि घूम किस स्पीड से रहा है, वी साइन थीटा से। टाइम पीरियड देख लें, मिटा रहे हैं इसको। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी देर में, वन चक्कर लिख लें, टाइम फॉर वन चक्कर। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 2πr, और किस स्पीड से कवर करोगे, v sin थीटा। छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर? किस स्पीड से घूम रहे हो इस बार, v sin थीटा, डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम मिल जाएगा। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, 2πr, r की वैल्यू बताओ, mv sin थीटा बाय qb, साथ में लिखा है v sin थीटा 2πm बाय, क्लियर है? तो बस ये याद रखना कि v परपेंडिकुलर रखते हैं रेडियस निकालते वक्त, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, बस ये याद रखना, v परपेंडिकुलर रखते हैं, और टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, 2πm बाई qb। बोलो क्लियर हुआ? तो एक मोशन तो ये वाला एनालाइज हो गया कि इसका रेडियस mv sin थीटा बाई qb और इसमें घूमने का टाइम पीरियड 2πm बाई qb। दूसरा मोशन ये वाला है, इसके बारे में क्या बात करें, और इसके बारे में बताते हैं क्या पूछा जाता है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ओके। अब दूसरा मोशन देखो, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल मोशन किस स्पीड से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन v पैरेलल से हो रहा है, विच इज v cos थीटा, और आप ध्यान से देखो ये एक कांस्टेंट स्पीड है जो कि नॉर्मली बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है पिच, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज पिच, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, मतलब जितनी देर में आप एक चक्कर लगा रहे हो उतनी देर में आप कितना आगे बढ़ रहे हो। या आपने स्क्रू गेज में पढ़ा होगा, स्क्रू गेज में होता था ना कि जितनी देर में एक चक्कर लगा उतनी देर में स्क्रू कितना आगे घूमा, जितनी देर में एक चक्कर लगा, अरे असल में ऐसे ऐसे थोड़ी ना चक्कर होगा, असल में चक्कर ऐसे ऐसे, समझे, यहां चला, इमेजिन 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 घच। तो जितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट हुआ उतनी देर में आप कितना आगे बढ़े, यहां से मान लो स्टार्ट करें, ओके, जुर्र घच, देखो यहां से चले थे जुर्र घच, जितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट हुआ उतनी देर में आप कितना आगे बढ़े, दैट इज पिच, दैट इज पिच, नहीं समझे, जब यहां से चलोगे जुर्र घच, ये देखो एक चक्कर पूरा जब तक कंप्लीट हुआ, ऐसे अपनी जगह थोड़ी ना घूम रहा है, ऐसे घूमते हुए गच, उत्तर में कितना आप आगे बढ़े। तो यार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल वी पैरेलल इनटू टाइम कर लिया जाए, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सीधा चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वी पैरेलल की वैल्यू बोलो वी कॉस थीटा, और एक चक्कर में कितना टाइम पीरियड लगा, कितना टाइम लगा, ये समझे, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, जितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट हो उतनी देर में कितना आगे बढ़े, इन वन टाइम पीरियड बोल दे या इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बोल सकता है। तो v cos थीटा की स्पीड से चले और कितनी देर के लिए पूछ रहा है, एक टाइम पीरियड के लिए, 2πm by qb, दैट इज द पिच। जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे ना तो सिंपल v cos थीटा इनटू गिवन टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मोशन है, ये वाला डिस्टेंस आपसे कभी भी पूछे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू v पैरेलल इनटू जितने टाइम के लिए पूछे, हमसे कहा एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस, हमने कहा चलो एक टाइम पीरियड रख दें, इतनी चीजें यहां से आती हैं। क्लियर हो गई बात, मिटा रहे हैं इसको, सवाल कर ली जाए दो तीन ठो, बस खत्म ही है टॉपिक, छोटा सा शुरुआत वाली अगर आपने कहानी समझ ली तो ये बहुत आसान है। चलिए सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, एक तो प्रैक्टिस के लिए करिए फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। मान लीजिए एक फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज इक्वल्स टू, हमसे किसी ने बोल दिया 1 टेस्ला,
और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है विद स्पीड v इज इक्वल टू 2×10³ मीटर पर सेकंड। चार्ज पार्टिकल का जो हमारे पास चार्ज q है, मास m है, वो भी हमें गिवन है। ये एंगल हमसे बोल दिया मान लो 30 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड से, और हमसे बोल दिया चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम प्लस, और जिसका मास है दैट इज 9.1×10⁻³¹ kg। ठीक है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज मस्ट बी पॉजिट्रॉन, या जो भी है तुमसे क्या मतलब है, अभी तुमको इस सबसे मतलब नहीं, तुमको तो अपना खेल समझना है ना इसकी कि किधर से घूमेगा। तो आप कर सकते हैं सवाल, हमसे पूछ लिया व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड व्हाट इज द पिच। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, है ना। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसका एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा वी कॉस 30, जो कि कैसा काम करेगा, वी पैरेलल की जगह जिसके लिए वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और एक कॉम्पोनेंट इसका ये हो जाएगा जो कि कौन सा है, वी परपेंडिकुलर वी साइन 30, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। आपसे रेडियस पूछेगा, निकाल लोगे, एर इज इक्वल्स टू एम वी साइन 30 बाई क्यू बी। आपसे टाइम पीरियड पूछेगा 2πm बाई क्यू बी। आपसे पिच पूछेगा, पिच इज इक्वल्स टू वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, वी कॉस 30, टाइम पीरियड 2πm बाई क्यू बी। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वैल्यूज वगैरह आप रख सकते हो, m गिवन है, q गिवन है, m रख दो, q रख दो, v गिवन है, b रख दो, यू कैन गेट द आंसर्स। r मिल जाएगा, मास v q b पुट कर दो, t मिल जाएगा, m q b रख दो, पिच मिल जाएगी, m q b और v रख देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला बेस हलवा एकदम क्लियर है, मिटा रहे, कर लेंगे इसको होमवर्क, समझ लेते हैं। चलो कॉमेंट करना इसके रेडियस का आंसर, चलो सब लोग कॉमेंट करेंगे इसके रेडियस का क्या आंसर आ रहा है, कर लोगे एकदम हलवा है, आगे बढ़े। चलो चलो एक सवाल देखो और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो हमसे बोला एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू मास एम इज मूविंग विथ v इज इक्वल्स टू वी वन आई कैप वी टू जे कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप, फाइंड ट्रेजेक्टरी एंड रेडियस, टाइम पीरियड, पिच। मतलब मुझे पता है ट्रेजेक्टरी इसकी क्या है, हेलिकल है, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने बोला पहले ट्रेजेक्टरी बताओ फिर रेडियस, टाइम पीरियड, पिच। चलो करके देखो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो, पूरा वेरिएबल का सवाल है, सोच के करना आराम से, डायग्राम बनाओ, पॉज करके डायग्राम बनाओ। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, 1, 2, 3, 4, सर जी बंद करो ये अत्याचार, अभी रुक जा, 2 सवाल और करा लेंगे। हाँ भाई चलो आगे आते हैं, देखते हैं b इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, यानी जो b है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आई कैप यानी x के डायरेक्शन में इस तरह से कुछ बनी हुई है, और इसकी वैल्यू b नॉट है, हर जगह कॉन्स्टेंट है। बोले समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप मतलब इस तरफ जा रही, जो वेलोसिटी है उसके 2 कॉम्पोनेंट हैं, वी वन है आई कैप के डायरेक्शन में और वी टू है जे कैप के डायरेक्शन में, कुछ इस तरह इसे डायग्राम को तू बना ले। बोलो क्लियर है, वी वन इस तरफ, वी टू इस तरफ, भाई वेक्टर फॉर्म में दिया, कार्टेशियन फॉर्म में बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वी वन इधर, वी टू इधर, यानी ये कैसा रोल प्ले करेगा, वी परपेंडिकुलर का, ये किसका रोल प्ले करेगा, वी पैरेलल का। हो गया खत्म, इसकी वजह से जुर 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 घूमता हुआ कौन सा मोशन करेगा, हेलिकल मोशन। अगर हम बात करें इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। बोलो आया कि नहीं, अरे आई जे कैप तो देख ही सकते हो आप, आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, वी वन आई कैप के साथ है, वी टू उसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, ये वाई, ये एक्स, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, एक वेलोसिटी एक्स में, जो एक्स वाली वेलोसिटी सीधी सीधी सीधे चलाएगी, जो आई वेलोसिटी गोल 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 घुमाएगी। एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, तो हम लिख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर कौन सा है, वी टू, वी टू बाई क्यू बी। ऑप्शन में ऐसा ही होगा, एम वी टू बाई क्यू बी, एम वी वन बाई क्यू बी, एम अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाई क्यू बी, ऐसे पता आएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड को कोई लेना देना नहीं, वेलोसिटी से 2πm बाई क्यू बी। और आपसे कोई पिच पूछे, पिच कितनी हो जाएगी, पिच हो जाएगी वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, वी पैरेलल हमारा हो गया वी वन, तो
तो वी वन इंटू टू पाई एम बाई क्यू, बी बी की जगह बी नॉट कर दें, जगह बी नॉट दे रखी है ना मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हलवा है, बस ये देखना था कौन सी वेलोसिटी पहले ले कौन सी परपेंडिकुलर। हलवा एकदम छाप लें, क्लियर है। V1 मैग्नेटिक फील्ड के साथ है आई कैप डायरेक्शन, V2 उसके पर, V2 की वजह से सर्कुलर मोशन, तो R MV परपेंडिकुलर MV2 अपॉन QB0। क्लियर है, जिसका सर्कुलर मोशन होगा इस प्लेन में होगा, ऐसे इस प्लेन में। ये कौन सा प्लेन हो जाएगा हमारा, ये वाला Z एक्सिस के लो ऐसे। और प्लेन कौन सा हो जाएगा, प्लेन जरा सोचो, ये हुआ Z और ये हुआ हमारा इधर हो गया हमारा y, इधर हो गया हमारा z, y z प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, है ना, इस प्लेन में। ये हो गया y, ये हो गया z, y z में सर्कुलर मोशन और x में आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लेते हैं छोटा सा। मान लो हम इसमें कुछ वैल्यूज वैल्यूज डाल दें और थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को। मान लो इसको हम कर दें लेट दिस बी 3i कैप 4j कैप और मैग्नेटिक फील्ड को मान लो हम कर दें 3j कैप। अब बताओ क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टी एंड पिच, पॉज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मैं करने जा रहा, तैयार कर लिया है। अरे पॉज करो भाई, खुद से करो, काम चोरी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ भाई, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड 3j कैप, ओए होए, यानी इस बार मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, j कैप मतलब इस तरफ, है ना, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ y, और जो वेलोसिटी है 3i कैप यानी वेलोसिटी 3 इधर है और 4j कैप यानी 4 इधर है। बोलो सही है, ये हो गया y डायरेक्शन, ये हो गया x। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो इस बार ये क्या बन गया, v पैरेलल बन गया, और ये क्या बन गया, v परपेंडिकुलर। थोड़ा सा फीलिंग चाहिए, तो समझ में तो आ रहा होगा तुमको, मैग्नेटिक फील्ड हर बार ऐसे बना रहे थे, सिर्फ घुमा दिया, इसे कर दी मैग्नेटिक फील्ड। अब 3i कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड देखो j में, ये 3i कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, और 4j मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो गया, तो ये v पैरेलल, v परपेंडिकुलर। इस बार r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू वी, तो एम इंटू वी परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन क्यू, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 एम बाई क्यू। टाइम पीरियड की बात करें 2 पाई एम बाई क्यू बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 रख दो, तो 2 बाई 3 पाई एम बाई क्यू। पिच कितनी हो जाएगी, पिच विल बी वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, वी पैरेलल कितना है हमारा 4 और टाइम पीरियड कितना है 2 बाई 3 पाई एम बाई क्यू 8 बाई 3 पाई एम बाई। बोलो कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू, बी बी की वैल्यू रखी मैंने 3, 2 बाई 3 पाई एम बाई क्यू। मैग्नेटिक फील्ड जे में, तो ये वाला इस बार वी परपेंडिकुलर बन गया आई वाला, अच्छा इस बार मोशन सोचो कैसा होगा, इसकी वजह से ये सीधा ऊपर जा रहा है और इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। जरा डायरेक्शन सोचते हैं, सेंटर किधर है या किधर सर्कल घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज, यहाँ सेंटर है कहीं ऐसे, और ऊपर भी चलना है, मतलब सर्कल में भी घूमना ऊपर जाना, अरे भाई सेंटर यहाँ पड़ रहा है, ये ऐसे जाना चाहता था फोर्स इधर, ये ऐसे जाना चाहता था फोर्स इधर, ये ऐसे जाना चाहता था फोर्स इधर, तो ये ऐसे जाना चाहता था फोर्स, ऐसे घूमने लगेगा सर्किल में और ऐसे ऊपर बढ़ेगा, यानी ये हेलिकल पाथ बनेगी इसकी। अरे वही केस पूरा इसे इंक्लाइन कर दिया भैया, आया समझ में। एक आखिरी सवाल आज का, देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से थंब से डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन आना है, तो यहीं से हमने लगा दिया, ये आया सेंटर इधर और इधर भागना चाह रहा है फोर्स इधर, इधर भागना चाह रहा है फोर्स इधर, तो ऐसे ही तो घूमेगा और ऊपर बढ़ेगा वी पैरेलल की वजह से। आखिरी सवाल, अब बताएं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, फ्री के कैप कर दिया, ये क्या कर दिया बताओ, पिच रेडियस टाइम पीरियड बताएं,
पॉज करके, हो गया क्या? B3 के कैप यानी मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम J डायरेक्शन में है, तो हम बना लेते हैं ये X, ये Y, Z डायरेक्शन नॉट J, और मान लेते हैं Z एक्सिस ऐसे पीछे है प्लेन के, मान सकते हैं आगे भी मान सकते थे पीछे भी मान सकते, हमने मान लिया Z एक्सिस इज हियर ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड 3K कैप यानी अंदर की तरफ, हमने Z अंदर मांगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, तो ये बनेगी कहानी। This is magnetic field 3K cap अंदर की तरफ, K को अंदर मान लिया, Z को अंदर मान लिया, K cap अंदर की तरफ, और velocity क्या है 3i और 4j, यानी velocity इधर और इधर है। अब बताओ कौन सा V parallel, कौन सा V perpendicular? दोनों ही perpendicular हैं भाई। अरे भाई 3i इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर परपेंडिकुलर, 4J इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर परपेंडिकुलर, 3I इधर मैग्नेटिक अंदर परपेंडिकुलर, 4J इधर मैग्नेटिक अंदर इससे ही परपेंडिकुलर, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। यहां पे कोई हेलिकल पाथ नहीं दिखेगी, ट्रिक क्वेश्चन था, समझना था, यहां कोई हेलिकल पाथ नहीं, कोई वी पैरेलल है ही नहीं। अरे ये सिंपल सा केस है, इसका नेट मैग्नीट्यूड देखो वेलोसिटी का इस तरफ आएगा, अंडर रूट 4² + 3² कितना आया 5। ये सिंपल सा केस था कि ये मैग्नेटिक फील्ड दी है इनवर्ड और ये वेलोसिटी है पार्टिकल की 5 m/s ऐसे, या 5 ले लो, अब यूनिट नहीं दिया, चलो ठीक है 5 खत्म, और पूरी की पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर वेलोसिटी इधर, खचर 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 ऐसे कचर कचर कचर, सर्कुलर मोशन होगा, सिंपल खत्म। अरे भाई ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों मिला के नेट वेलोसिटी 5 विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस यू सी, इन दिस केस यू कैन सी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, कौन सा वी ले लिया मैंने नेट वी, कौन सा मोशन होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा, ट्रिक सवाल था, देयर विल बी नो पिच, ट्रेजेक्टरी विल बी अ सर्कल पाथ, सर्कुलर नहीं आया भाई, 5 वेलोसिटी से वो ऐसे भाग रहा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, वो ऐसे भाग रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 5 वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कोई पैरेलल है ही नहीं, जब पूरी पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का सर्कल कैसे बनाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल का नेट मोशन इधर, कुछ 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 ये हो गया। अब इसका किसी ने बोला रेडियस निकालो, बड़ा आसान है, R is equals to MV perpendicular by QB, V perpendicular कितना लोगे, 3 की 4 5, नेट V perpendicular 5 है ना, किस स्पीड की वजह से गोल गोल घूम रहा है, 5 की वजह से, नेट नेट तो इधर भाग रहा है ना, पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, नेट तो पार्टिकल ऐसे भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, Q कितना है नहीं पता, B शायद दे रखा है, कितना है 3, तो हो गया 5/3 m/q, इधर से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो 2πm/qb, तो 2/b की वैल्यू कितनी 3, 2/3πm/q, टाइम पीरियड कोई मतलब नहीं पड़ा, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी जो पिछली बार आया था भाई 2/3, उसको जे के से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पिच यहाँ पे नहीं निकालोगे। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, अगले लेक्चर में बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे जिसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या बात है, दोनों भाई आ गए, तो पढ़ाई करते रहें, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।